वहां दो तीन बंदे बैठे हुए थे, एक दो ये बड़े लोग हैं कॉलेज के, ठीक है, वीसी और एक और दादा, एक है जो कि हॉस्टल का सब कुछ करते हैं। तो मैं जब पर्चा लेके गया, मैंने बात की और उन्होंने जब मना कर दिया, ये हंसने लग गए। मुझे नहीं पता था ये कोई बड़ा आदमी है, वो हंसने लग गए, हा 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 हा। मैंने उसी टाइम बोला, इसमें हंसने की क्या बात है। नेक्स्ट डे मैंने बताया, मैंने इसको बोला था कि हंसने की क्या बात है, मेरे को दोस्तों ने बताया, तेरे को पता है तूने किसको बोला है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने उन्हें ये बोला और जो आगे दो बैठे थे, मैंने कहा सर ये करो, ये तो आप सारे कॉलेजेस में हो रहे हैं, हम DU का पार्ट है, हमारे में भी होना चाहिए। बोले नहीं। उस टाइम मेरे थे 21 या 22 हज़ार सब्सक्राइबर, ठीक है, सोचो मैंने क्या मूव किया होगा। वो मैं कभी नहीं करता, वो ब्लफ था, ठीक है। मैंने कहा सर 22 हज़ार बच्चे हैं, मैं लाइव आऊँगा और वो सारे देखेंगे कि आप खुद के रूल बना रहे हो और होली नहीं बनाने दे रहे हो, ठीक है, तो आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा, वो देख रहे भाई, एक दूसरे की शक्ल देख रहे, वो उसकी शक्ल देख रहे, और फिर उन्होंने कहा उससे जाके बात करूँ, किसी एडमिन में भेज देते हैं, इनका यही होता है एडमिन में, एक पॉइंट से दूसरे में फेंकते रहो। उनसे जाके बात की, तो वो तो उन पहले से ही जानता था मैं, ठीक है, सिक्योरिटी के हेड थे, उनके से ऑलरेडी जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा यार वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही भेज रहे हैं तेरे को, ठीक है, पर फाइनली करके वो चीज़ हटा दी। तो आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ, कोई सपोर्ट करे ना करे, ट्राई मार के आ जाओ, जाता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, होली घर पर बनानी पड़ेगी, ठीक है, पर तुम अटैम्प्ट तो मार के आ गए। तो कुछ कुछ पागल चीज़ें पंक्तियाँ करनी है, क्योंकि हर एक से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। वो पागलपंती पबजी में करियर बनाना भी हो सकता है, यूट्यूब में करियर बनाना भी हो सकता है, खुद का स्टार्टअप खोलना भी हो सकता है, ठीक है। और ऑपोजिट जेंडर से बात करना ज़रूरी इसलिए है जिससे कि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि वो जो इतनी बड़ी चीज़ है वो है नहीं, ठीक है। और कल को आपको वो फीलिंग जब आ गई तो आपके पास ऑप्शन भी हो, आपको परोस के भी देंगे, ठीक है, कि यार ये ले रिलेशनशिप, तब भी आप बोलोगे नहीं यार मेरा गोल पहले आएगा, ये तो मैं कभी भी कर लूँगा। समझ रहे हो, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, गोल की टाइमिंग निकल गई वो आप बाद में अचीव नहीं होगा, ठीक है, ये तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, टाइम आता है हर चीज़ का। तो आपको प्रायोरिटी देनी है, आप अभी किस चीज़ को टाइम दे रहे हो। कॉलेज का एग्ज़ाम होता था, अगर 10 बजे एग्ज़ाम है तो मैं रात को 12 बजे बोलूँगा भाई सारे नोट्स वगैरह दिखा दो। एक लड़की होती थी, जो होती है ना हर क्लास में, एक लड़की जो सारे नोट्स बनाती है ना, कल मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है। तो यूँ होता था यार, मैं पूछता था 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले तो ये बताओ, ठीक है, क्योंकि भाई कॉलेज में मैं सिर्फ सोया हूँ। मेरे वीडियो देखें क्लास में सोते हुए के, मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ, सोते हुए की वीडियो देखें। लास्ट बेंच होती है, तीन की होती होगी, यहाँ पे भी 6 फुट का मैं हूँ, मैं सो गया तुम सारे सो जाओगे, तो पैर एक तरफ रखो पीछे सो जाओ, पता ही नहीं चलता टीचर को तुम सो रहे हो, आंखों में दिखता ही नहीं। फिर जब अटेंडेंस का टाइम कर देना, सो लो वहाँ पे, नींद लो प्रॉपर, क्या दिक्कत है उसमें, 2-4 बार पकड़, बाहर जाओ, बाहर जाके सो जाओ, कौन सी दिक्कत बाहर जाके क्या उखाड़ लिया उन्होंने, अगले दिन वो टीचर दुखी हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, ठीक है कर ले तेरे को जो करना। तो वो चीज़ ढूंढो यार, वो चीज़ ढूंढनी जरूरी है जिसके लिए तुम पागल हो सकते हो। लोग क्या सोचते हैं वो तो फेंक दो कहीं पे, पूड़ी बना के ऐसे ही दूर, क्योंकि उसमें पड़े रहे यार तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम्हें लगता है तुम्हें वो देख रहा है, तुमने बाल किस तरफ बना रहे, कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें यूं लग रहा है मैं क्या अचीव कर रहा हूँ, किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने दो, फर्क पड़ रहा है क्या, 1% का फर्क पड़ रहा है किसी की लाइफ में। तुम में से अभी सारे के सारे कुछ भी सोच लो मेरे बारे में, मेरे लाइफ में 1% का फर्क पड़ेगा, या मैं तेरे बारे में कुछ भी सोच लूं भाई बड़ा हरामखोर है, ठीक है, तो फर्क पड़ेगा नहीं है। सोसाइटी का लगाओ आग, लाग मार फेंक, तो सोसाइटी पिक्चर में ही नहीं है, तू है, तेरा गोल है, तेरे को चाहिए तो भाग, भाग नहीं भागेगा तो ठीक है सब बैठे हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं, लास्ट में एक 10 तक का क्लैप होता है हर कॉलेज का। अरे अरे कॉलेज प्लेग्राउंड है, खेलो,
ठीक है, तो बाय बाय।